दिल्ली हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़ा तो दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 18 हो चुकी है। जीटीबी अस्पताल में आज 5 और लोगों की मौत हो गई तो हेड कांस्टेबल समेत 18 लोगों की मौत। पुलिस वालों समेत हिंसा में 170 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 4 जिलों में कर्फ्यू लगा है। आधी रात एनएसए अजीत डोभाल ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, मौजूदा हालातों का जानकारी पुलिस से यहां पर वो लेते नजर आए। तो जाफराबाद, यमुना विहार, वजीराबाद का जायजा अजीत डोभाल ने लिया है। तो गोकुलपुरी, सीलमपुर, मोजपुर, करावल नगर का भी दौरा उन्होंने किया। हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंचकर वहां के मौजूदा हालातों की जानकारी पुलिस से जुटाई और साथ ही सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं कि अगर अब कोई उपद्रव यहां पर मचाता दिखा तो उन पर सख्ती से कार्रवाई हो, गोली मारने का आदेश भी यहां पर दे दिया गया है। तो दिल्ली हिंसा में मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़कर अब 18 हो गया है। तो दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 18 हो चुकी है। जीटीबी अस्पताल में आज 5 और लोगों की मौत हुई है तो हेड कांस्टेबल समेत 18 लोगों की मौत। तो पहले 13 ये आंकड़ा था, अब बढ़कर 18 हो चला है। पुलिस वालों समेत 170 लोग अभी भी घायल है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 4 जिलों में इस स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। आधी रात को खुद एनएसए डोभाल जायजा लेने के लिए पहुंचे और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित दुबे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अब मरने वालों का आंकड़ा 13 से 18 पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, देखिए 44 लोग ऐसे थे जिन्हें गोली लगी थी, बाकी लोग जो है वो ईंट और पत्थरों से घायल हुए थे और ऐसे में जो है आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि 5 लोगों को और 5 लोगों की और मौत हो गई है। 18 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, बाकी घायलों का इलाज जारी है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने रात में ही साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो घायल है उन्हें बड़े हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया जाए। हालांकि जीटीबी भी एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे जो है इलाज में किसी प्रकार की ना तो कोई कोताही दिख रही है और ना ही वहाँ पे जगह की कमी है, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिया था और अब जो है अभी भी घायलों का इलाज चल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ जाए क्योंकि लगातार उपचार किया जा रहा है और ऐसे में कई लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल अमित, खुद एनएसए डोभाल आधी रात को 40 मिनट तक उन्होंने दौरा हिंसाग्रस्त इलाकों का किया, सख्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। अगर आज की बात करें तो आज क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ असर इस सख्ती का दिखाई दे रहा है इलाकों में? देखिए फिलहाल जो है शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पे दिख रहा है और खास तौर पे जो पुलिस है वो मेन रोड जो है वहाँ पे पुलिस तैनात है और जो गलियां हैं जो हिंसात्मक वारदातें हुई थी वो गलियों में हुई थी, गलियों के बाहर जो है पुलिस है, उन गलियों के अंदर पुलिस नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है लोगों से शांति की अपील की गई है और शांति बाकायदा दिख भी रही है। चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें या गवर्नर की बात करें या गृह मंत्रालय की बात करें, तमाम लोगों ने अपील की है और जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ ने फ्लैग मार्च किया उसके बाद से चाहे मौजपुर हो, गोकुलपुरी हो या अन्य जगह हो, हर जगह के मेट्रो स्टेशन भी खोल दिए गए, मेट्रो सुविधाएं जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, बाकी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। फिलहाल जो हालातों की बात करें तो काबू में है। बिल्कुल अमित, जिन 4 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है क्या अभी भी कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ है? अब हालात जिस तरह से आप सामान्य बताए जा रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ कहना प्रशासन का कि क्या जहां इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया उसको हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है और जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा है वो बहुत ही छोटे इलाके हैं और जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है या जो मेट्रो फैसिलिटीज है वो मेन रोड पे है और मेन रोड जो है वो पूरी तरह से बहाल है। कुछ छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पे धारा 144 लगाई गई है, कर्फ्यू लगाया गया है और बहुत जल्द अगर इसी तरह से हालात सामान्य रहे तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी कह रहे थे हालातों पे नजर वो बनाए हुए हैं और अगर चीजें सामान्य होती है तो जल्द से जल्द कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। चलिए अमित, आप हालातों को लेकर नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया।